इसमें रामधारी दिनकर नाम का सिपाही है, वो इस समय लालगंज में तैनात है। पहले ये पैकोलिया में तैनात था, एक बोलेरो गाड़ी को लेकर के। बोलेरो गाड़ी का आदान प्रदान इन लोगों के बीच में हुआ था, जिसके कारण से पहले जांच हुई थी, क्षेत्राधिकारी कलवारी ने जांच किया था। उसके बाद जो गाड़ी के लेन देन का मामला था, उसमें जो भी तथ्य आए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की गई थी। अब 156(3) के माध्यम से कोर्ट के आदेश से इस आरक्षी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी विवेचना थाना पैकोलिया थाना अध्यक्ष द्वारा की जा रही है। और कल ही नए थाना अध्यक्ष आए हैं, अभी हमारी वार्ता हुई है, शीघ्र इस पर मेरिट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बलात्कार की ही धाराओं में विवेचना हो रही है, और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसे पूरा करके और कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पे सर वो तैनात है तो क्या जांच प्रभावित नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ड्यूटी दूसरे थाने में, विवेचना दूसरे थाने से हो रही है, सर्किल दूसरा है, और इसका पर्यवेक्षण दूसरे अधिकारी कर रहे हैं। जांच प्रभावित नहीं होगी किसी तरह।